शादी के लिए सहज योग का उद्भव हुआ है, लेकिन मानव के लिए सहज योग को समझ लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी महान चीज एकदम सहज से मिल जाए तो उसका महत्व, उसका आकलन, उस शक्ति के लिए श्रद्धा, उसके लिए भक्ति, पूर्ण चित्त से उसको अंदर में तादात में कराने के लिए मेहनत, इन सब चीजों की कमी रह जाती है। इसीलिए आप देखिएगा कि अधिकतर सहयोगी बड़े कैजुअल होते हैं, पर दूसरे जो स्वामी लोग हैं, जो आपको मालूम है किस तरह से लोगों को ध्यान में डालते हैं और कैसा उनका फायदा उठाते हैं, जो आपसे पैसा लेते हैं, आपसे मेहनत करवाते हैं, आपको सर के बल खड़ा करते हैं, शारीरिक श्रम करवाते हैं, कोई न कोई मेहनत करवाते हैं, कुछ न कुछ करवाते हैं, तो आपका जो अहंकार है उसमें थोड़ा सा तृप्त होकर के आप उसमें चिपके रहते हैं। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि जो कुछ अपना है सब कुछ दे करके, पैसा वगैरह, और इन साधुओं के पास में वो लोग झाड़ू मारते। सहज योग की प्राप्ति इतनी सहज में हो जाती है कि उसके प्रति लोग कैजुअल रहते हैं। जैसे कि आंख की प्राप्ति हमको एकदम सहज हो गई तो हम उसके तरफ कैजुअल हैं, उसकी कोई कीमत ही नहीं हमको कि ये आंख कितनी कीमती है। जिस दिन आंख हमारी जरा सी दुखती है तो पता चलता है हे भगवान। इसीलिए बाधा का होना भी जरूरी हो जाता है। अगर बाधा नहीं हो तो सहज योगी तो बिल्कुल परवाह ही न करे। बाधा तो आपके ऊपर निर्भर है, आप कब तक पकड़ेंगे तब तक बाधा है, उसे क्या किया जाए। कुछ कुछ लोग आपको मालूम है ऐसे हैं कि जो पार हो गए सो पार हो गए, उनको छूता नहीं, कभी वो पकड़ते नहीं है, लेकिन उनकी पूर्व जन्म की बड़ी पुण्याई है। उनको भी सतर्क रहना चाहिए, इसे फूल नहीं जाना चाहिए कि हमें पकड़ा नहीं तो हम कोई विशेष हो गए, कोई बात नहीं। कैजुअल जिसको कहते हैं, कैजुअली सहज योग के प्रति रहना, हम लोगों को बड़ा महंगा पड़ेगा। आंख के प्रति आप अगर कैजुअल रहे तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि आपकी आंख, हाथ पैर, शरीर देखने वाला तो है ही कोई तैयार, उसको देखने का नहीं है, लेकिन आपका सहयोग आप ही को देखना है। ये दोनों में अंतर है बड़ा। आपका शरीर कोई संभाल लेगा, आपका सब कुछ जो कुछ भी है बाकी का, जितना भी थ्री डायमेंशन जिसको मैं कहती हूँ वो सब संभल जाएगा, लेकिन आपका सहयोग आप ही को साधने का है, आप ही को उसमें बढ़ने का। और कैजुअल इतने हम हैं, इतने कैजुअल हैं कि हमारे पड़ोस में ही कोई आदमी बैठा हुआ है उसे भी हम नहीं कहते कि अरे भाई जिससे मिलो उसे यही बात करो, डेडिकेशन इसी का देना पड़ेगा सहयोग का। अभी बहुत से लोग हैं, शरीर के बहुत से अंग अंग अलग अलग पिछड़े हुए हैं। अभी कल देखिए कि वो एक वो दिन की बात है कि वो लड़की के बाधा हुई तो उसका भाई आया, वो पट से पार हो गया। संसार में ऐसे बहुत से आपके अंग प्रत्यंग कहीं कहीं गिरे हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करना है, ये भी एक बड़ा भारी सहयोग है। अपने घर में ही कोई आदमी बगैर सहयोग के कैसे रहता है देखते। आप अगर हमारे घर में हैं तो सबको सहयोग में आना पड़ेगा, पार होना पड़ेगा, बाधा रखनी नहीं पड़ेगी, इसका इंसिस्टेंस होना चाहिए, उसमें गुस्सा नहीं करना, लेकिन उनसे बात यही करनी चाहिए, बोलना यही चाहिए, उसमें बिल्कुल कैजुअल पना नहीं चलने वाला।
खाते उठते बैठते जैसे श्वास चलती है हर श्वास के साथ में सहज योग को प्रस्थापित करना होगा। क्योंकि अगर आप अपने को कोई विशेष रूप मानते हैं, अगर आप अपने मंदिर को सोचते हैं कि इसमें कोई विशेषता है, तो इसमें घंटानाद होना ही चाहिए हर समय, नहीं तो व्यर्थ जाएगा। सहज योग भी व्यर्थ जा सकता है, ये समझ लीजिए आप। ये भी दूसरी बात बता दूं कि बगैर सहज योग के आपका कोई व्यक्तित्व है नहीं। अब उसके बगैर आपका निखार भी है नहीं, उसके बगैर आपका कोई स्थान भी है नहीं। क्योंकि परमात्मा के राज्य में जब आप आ गए तो उसका आपको सिटीजनशिप लेना ही पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों से सुनती हूँ, कल हमारे भाई साहब आए थे, कहने लगे कि हम गजानन महाराज के पास गए थे। मुझे तो पता नहीं कौन गजानन महाराज है कि कौन है। फिर फड़के ने बताया कि वो तो गजानन महाराज के उस पर हमने देखा कि आज्ञा चक्र विशुद्धि चक्र फलाना तीन चक्र पकड़ते हैं, उन्होंने वही बैठे वो भी थे नथी, उन्होंने अपने अनुभव बताया गजानन महाराज के कि उनके फोटो से ही पकड़ते। मैंने कहा लो, और उसके तीन चक्र पकड़े हुए। मैंने कहा तुमको मैं घर में तुम्हारी बहन बैठी हुई हूँ, तुम क्या को गजानन महाराज में गए थे? पहले सबने बोला संत पुरुष आ रहे। मैंने कहा वाइब्रेशन से देखो संत पुरुष आए कि नहीं, कैजुअली चले गए, उनको भी देखना चाहिए, ये कोई सहज योग हुआ। राजा बनने के बाद भिखारी बनने वाले लोगों को निकाल देना चाहिए। लेकिन जान के नहीं बन रहे भिखारी, वो तो कैजुअलनेस में चले गए, हम उधर भी चले गए, क्या करें हमारी बीबी ऐसी है, क्या करें हमारा बाप ऐसा है, क्या करें हमारी लड़की ने कहा चलो हम भी चले। फिर क्या हुआ, आए तो माताजी आज्ञा चक्र पकड़ गया, पेट का वो पकड़ गया, नाभि चक्र पकड़ गया, तीन चक्र काल पकड़ लेते। अभी मैं उसकी सगी बहन इधर बैठी हुई हूँ, तुमको गजानन महाराज जाने किसने कहा था? फिर कह लगे कि हम लोग ने सोचा कि हम लोग की हालत बहुत खराब हो गई तो भी साईं बाबा के जाएंगे। तो मैंने कहा पहले तुम इधर आओ, अपना पेट ठीक कराओ, फिर साईं बाबा के जाओ, नहीं तो वहां भी जाके तुमको क्या अक्कल आने वाली है, हजारों जाते तो क्या, वहां पे तुमको मांगना क्या है, मटीरियल चीज मांगनी है साईं बाबा के पास में। कब मनुष्य की ये इच्छाएं पूरी होंगी? अब सब हो गया ना मटीरियली, और क्या चाहिए तुम लोग को? राजे रजवाड़े होकर के भी क्या चाहिए तुमको? अब जो देने को आए हैं, जो पाने का है, वो बहुत महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए। परमात्मा ने बहुत सोच विचार के तुमको बनाया हुआ है। इधर उधर का पढ़ा हुआ दिमाग में इतना ज्यादा मैल है, उस सबको उठा के फेंक दो। फालतू की चीजें इकट्ठी करके रखी हुई है, सारा जंक इस मंदिर में से फेंक दो, उस मंदिर की प्रतिष्ठा बनाओ। हर एक हृदय में एक एक दीप जलाने का है। अपने घर को पवित्र करो, अपने परिवार को पवित्र करो, अपने समाज को पवित्र करो, रिश्तेदारों का बड़ा आपको ख्याल है। रिश्तेदार बहुत हो गए, उनके लिए आए, मेरी सास आई है, अरे उसके मेरे को देना चाहिए, उसके लिए मुझे करने का है। क्या देगी तुम्हारी सास तुमको? जाओगी तो जूते देगी, जूते। आपके रिश्तेदार सिर्फ ये हैं, आप जान लो, इनके सिवा तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। सहजयोगी ही सहजयोगी के रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो भाषा ही और बोलते हैं, उनका तरीका ही और है, उनका ढंग ही और है। इस पे प्राण लगाने पड़ेंगे अपने।
और प्रेम, प्रेम को बांटना होगा। चित्त की धार पे प्रेम बहेगा। चित्त को पहले ठीक करो, अपने चित्त को हल्का करो। सब दुनिया भर की चीजें इस चित्त पे रखने से सहज योग कैसे उतरेगा? चित्त के ही ऊपर चला रहा है, धर 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 धर। देखिए प्रभु तो तुम्हारे ऊपर उंडालने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन तुम्हारा चित्त कहाँ है? दो दो मिनट में चित्त इधर उधर होता है। उसके चरण में सिर्फ चित्त को देने का, तुम्हारा पैसा कौड़ी धेला कुछ नहीं चाहिए उसको। रखो अपने पास में, ये मनुष्य की मूर्खता है, उसने जोड़ रखा, उसका महत्व क्या है? महत्व अपने चित्त का करो, उसी चित्त पे परमात्मा उतरेगा। तुम लोगों को 10-10, 20-20 साल तो उन्होंने जवान कर दिया, शरीर तुम्हारा ठीक होगा, मन की भावनाएं तुम्हारे शुद्ध कर दी, तुम्हारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ गया। आप क्या अभी दौड़ रहे हो इस चीज के लिए? उस चीज के लिए उसका महत्व ज्यादा है। तुम लोगों को पहले भी जन्म में बहुत कमाया था, सब गोबर यही छोड़ के गए थे, और फिर और इकट्ठा करो और फिर यही छोड़ के जाओगे। कैजुअली रहना सहज योगी के लिए बड़ी बड़ी ही खतरनाक चीज है। गफलत कहते हैं जिसे। बड़ा भारी युद्ध खड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि किस कदर दूसरे भी संहार के भी तरीके तैयार हो गए। सहयोग एक कमल जैसे इस कीचड़ में खड़ा हुआ है। नाजुक, सुरभित, सुगंधित, सुंदर, और आप उसकी पंखुड़ियां हैं। कीचड़ जितना भी आप पे गिरेगा छटक जाएगा जब आप जानेंगे कि आप कमल हैं। आप कीचड़ नहीं है। अगर मैं कहूं किसी से कि तुम्हारा कोई चक्र पकड़ा है तो ठीक ही है, वो कीचड़ निकाल डालो। तुम तो कमल बना दिए गए हो ना, तुम तो कमल हो। कमल पे अगर कीचड़ गिर गया तो कमल को चाहिए कि उठा के फेंक दे, और टिकने भी नहीं वाला उस पे। हर एक को सहयोग के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अगर सहयोग की नैया पार लगानी है तो अपने छोटे छोटे परिवार के और छोटे छोटे घर के प्रश्नों को लेकर के मत बैठो। कब तक इस कीचड़ को पकड़े रहोगे अपने साथ में? कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। लड़के की शादी होगी, लड़की की शादी होगी, फलाना होगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, उसमें खर्चा करेंगे, उसमें नाम कमाएंगे, और सहयोग में सहयोग के लिए टाइम नहीं हमको। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष के लोगों के पास में पैसा वैसा ज्यादा नहीं, उनकी इतनी देखा जाए तो आर्थिक दशा कुछ खास अच्छी नहीं है। लेकिन जान के रहना चाहिए हमें कि इसी भारतवर्ष में वाइब्रेशंस हैं जो कि सब चीज को कंट्रोल करता है। अभी तक कोई और देश होता तो कोलैप्स हो गया होता। उसी वाइब्रेशंस के सहारे ही तुम लोग जी रहे हो। कितना बड़ा देश है, ऐसे महान देश पर पैदा हुए हो, और सब कुछ तुम जानते हो। वहां अंग्रेजों से तो मुझे बताना ही नहीं आता कि मैं क्या बताऊं। देवी महात्मा इन्होंने पढ़ा नहीं, इनको देवी क्या मालूम, नहीं इनको माँ मालूम नहीं। इतने गंदे लोग हैं वहां जिनको माँ नहीं मालूम, ऐसे लोगों को मैं क्या बताऊं माँ का महात्मा। मुझे तो रोना आता है। और तुम लोग ऐसे कैजुअल लोग हो, जैसे दाढ़ी बनाते हो ऐसे ही जान में बैठते हो, कैसे होगा भाई? मेरे भाई लोग बोलते हैं क्यों मर रही हो सुबह से शाम तक, तुम्हारी तबीयत को कुछ हो जाएगा,
तो तुम्हारा पति हमको क्या कहेगा। रात को चार चार पांच पांच बजे सोती हो, दिन भर मेहनत कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्या तुमको मिलने वाला समझ में नहीं आता है। अभी उनको समझ में नहीं आता है और मेरी भी समझ में नहीं आता। उनकी मेरी समझ जब एक बैठेगी तभी कुछ काम बनने वाला है। अकेले मैं लड़ सकती हूं ना, लेकिन उससे तुम लोग को क्या लाभ होगा। कैजुअल रहना, कैजुअली चलना अपने प्रति उदासीनता है, अपना अनादर है स्वयं ही। जिस राजा को सारा धन मिल गया है वो कैजुअली रह रहा है। अरे राज करो, विराजो। छोटी छोटी बातों को लेकर के क्या सहजों को खत्म करने वाले हो। अपने अंतर को साफ करो, अपने हृदय को साफ करो, चालाकी छोड़ो, अपने हृदय को साफ करके देखो कि क्या हम अबोधिता में, इनोसेंस में बैठे हुए हैं। मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं हो रहा है आपका। आप ही पर, अपने पर ही, आप जो मांग रहे थे, सालों से खोज रहे थे, वही मिल रहा है। अब चरम सीमा पे आने पर ये क्या पागलपन लगा है। जो चरम सीमा पे आ चुका है उसको मुख मोड़ते आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुतों को देखा। पहले तो चिपकाना पड़ता है, चिपको चिपको चिपको। कभी कभी ऐसा भी विचार बनता है आप लोगों का कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे तो देश में इतनी खराबी है, हम लोग तो गरीब आदमी है, यहाँ पर हमारी तो परेशानी है, हम क्या देश का उद्धार करेंगे, माता जी यूं हमको चढ़ाती है। अच्छा है कि तो आपके पास पैसा नहीं है। इतने वो पैसे वालों को रियलाइजेशन दिया है, कहा है इसमें कौन है, दो चार है और वो भी कंजूसी करते हैं। बहुत पैसे वाला तो कोई है ही नहीं अपने पास में। लाखों पति करोड़ों पतियों को दिया है रियलाइजेशन, क्या कर रहे हैं। अच्छा है पैसा नहीं, उसकी झंझट तुम्हारे बहुत कम चिपकी हुई है। कम पैसे है बहुत अच्छा है। देख लिया मैंने ये पैसे वालों को, बड़े बड़े पदाधीशों को देखा, बड़े बड़े मिनिस्टरों को देखा, ये देखा क्या है, उनके तुम्हारे जैसा आनंद तो वो लेते ही नहीं है। पार हो गए, बैठ गए उसके बाद में ढंग से, बड़ा पैसा लेके बैठेंगे। बड़े बड़े मिनिस्टर हुए, बड़े बड़े सेक्रेटरी हुए हैं पार, क्या किया उन्होंने, उनके घमंड के मारे भगवान बचाए रखे। भगवान के पास में कौन है सेक्रेटरी और कौन है राजा। बुलाना पूरे पाठवा, सगळ्यांच्या उतरल्या की नाही माताजी सहित। गुलाबाची फुले ती इकडे, इथे बस, इथे अहो। हा केवढा मोठा जीव आहे, हे ओळखा, हे ओळखा, कोण आहेत हे, हे कोण आहेत, फार मोठे जीव आहेत। त्यांची मंदिर बांधलेली आहे तिकडे, ज्याला तुम्ही पूजायला जाता ना ते येणार आहेत धरतीवर आणि तुमचे मंदिर करा ना तयार। मुलं आधी घेऊन या तुमच्या आधी पुढे घालून।
वो आपसे भी अच्छे है कि उनको कोई पैसे का गंदी नहीं है और भी अच्छे हैं कि उनको कोई पोजीशन नहीं है। इन सब मूर्खताओं से छूटे हुए हैं ये, इनको तो बस माताजी चाहिए। कल कुछ बच्चे आए थे, उनकी माँ ने कहा चलो कले नहीं अभी थोड़ी देर तो ठहरो ना, उनको कोई चॉकलेट नहीं दे रही थी कुछ नहीं, अपने बैठे थे, माताजी से यही हमको चॉकलेट चाहिए, हमको सिनेमा उनमा कहीं नहीं जाने का, हमको यही चाहिए माताजी के पास चलो। वो ज्यादा समझते हैं तुम लोगों से, तुम भी इनके जैसे हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो पिछला, ऐसे ही हो जाओ, फिर से तुम बच्चे ही हो गए हो। अब क्या सुंदर रूप है, ऐसे ही तुम भी थे बेटे, तुम भी ऐसे ही थे सब लोग, ये कहां से ऐसे विद्रूप हो गए सब लोग। अपनी विद्रूपता से घबराओ, दूसरों की सुरूपता को देखो, मैं जब चली जाऊंगी तब सहज योग पर, माँ जब चली जाती तो घर संभालना बच्चों का काम हो जाता है, आने पर दिखना चाहिए कि सहयोग बढ़ा के रखा हुआ है मेरे बच्चों ने, और नहीं तो लो आने पर दिखा 8-10 वहां उनके आज्ञा चक्र पकड़े हैं, किसी के नाभि चक्र पकड़ा है, किसी का विशुद्धि चक्र पकड़ा है, कोई उनके पास चले गए, कोई उनके पास चले गए, कोई बीमार पड़ गए, किसी की हालत खराब, किसी की बीवी अस्पताल में, कोई पागल खाने में। अरे भाई ये क्या हो गया, और ये नहीं सोचना है कि हम छोटे आदमी हैं। अरे तुम लोग बहुत बड़े आदमी हो, ये बड़े बड़े किसी काम के नहीं, पारी नहीं होते। अपना बड़प्पन जान करके बात करो, अपने को खोल करके बात करो, एक अक्षर सहयोग में जो बोलता है सरस्वती साक्षात वहां के बैठ जाएगी। मैं आपसे बताती हूँ, आप बोल के देखिए, आपके अनुभव होंगे। सहयोग पे बोलना शुरू करो, सरस्वती आपके वाणी में आ जाएगी, लिखना शुरू करो, आपके लेखनी में आ जाएगी। किसी कार्य को लो, साक्षात हनुमान खड़े हाथ जोड़ करके कि माँ बोलो किसके साथ खड़ा हो जाऊं मैं, हनुमान जी सारा काम कर रहे हैं आपका। कोई भी काम लो माँ का नाम लेकर के, कोई सा भी काम संसार का लो चाहे किसी चीज का, वो करेंगे। और सहयोग के लिए तो साक्षात पांचों चिरंजीव खड़े हुए हैं आपके लिए, सब लोग अपनी शक्तियां तुम्हारे ऊपर लगा करके पीछे बैकग्राउंड में खड़े हुए हैं। और देखा क्या कि नट जी जो आए हैं उनकी हालत खराब, वो इधर उधर देख रहे हैं, नाटक कैसे रचेगा, आधा अधूरापन नहीं चाहिए। मेरे को टाइम नहीं मिलता माता जी ध्यान में बैठने को, टाइम नहीं मिलता मतलब क्या, टाइम है किसके लिए, किसने दिया टाइम तुमको, अपने लिए टाइम नहीं मिलता तो भगवान बचा रखे तुमसे, टाइम कैसे नहीं मिलता। 4 बजे सवेरे उठना चाहिए, तुम्हारी माँ को देखा है तुमने कितने घंटे सोती है, 4 बजे सवेरे उठ करके बैठो, अपने मन से कहो 4 से 5 तक ध्यान में जाने का है, निद्रा बुद्रा फेंक देने की। रात का जागरण छोड़ो, फालतू लोगों से बातचीत करना छोड़ो, फालतू एसोसिएशन छोड़ो, रिश्तेदारी छोड़ो, बेकार के लोग हैं, सब भूत वाले हैं, उनके लिए अपना टाइम बर्बाद करने के लिए हम हैं कहाँ यहाँ पर। मैं तो एक भी क्षण आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग के सिवाय बिताती नहीं, एक भी क्षण। हमारे पति के ऑफिस में हजारों आदमी आते हैं, जब कभी रिसेप्शन होता है तो हजारों आदमियों से हाथ मिलाना पड़ता है, जागृति जो हाथ मिलाते हैं जागृति, उसको दिया वो फट से देखती हूँ कि जागृति हो गई मुझे आती है ऐसी, जिस देश में जाती हूँ उस देश में जागृति देती हूँ, जिससे बात करती हूँ उसको जागृति देती हूँ, वो बोलते रहता है उसको उधर जागृति देती रहती हूँ, वो अपना बोलते रहता है दुनिया की चीज, जहां मौका मिलता है वहां जागृति देती रहती हूँ।
विक्टोरिया स्टेशन पर टिकट कलेक्टर एक था मुसलमान, तो उसको टिकट लेने के टाइम में मैं जब खड़ी थी तो लाइन बहुत लंबी थी, तो मैं दे रही थी, पाकिस्तान का होगा पता नहीं जहां का भी, हाँ पाकिस्तान का था, तो उसको मैं जागृति दे रही थी खड़ी खड़ी, सामने वालों को भी जागृति दे रही थी उसको भाई। जैसे उसको टिकट दिया उसने मेरी ओर देखा, पार हो गया, तो वो सबका टिकट दे के जो अंदर में आ गया और आके करके मेरे कंपार्टमेंट में बैठ गया, तो उस कंपार्टमेंट में मैं अकेली बैठी थी। कहता आप कौन है, आपने में इतनी कशिश कौन कैसी है? मैंने कहा आप कौन है? कहले मेरा नाम हुसैन है। फिर मैंने कहा बैठो हुसैन मियां, ऐसे हाथ करो। कहले ये क्या हो रहा है ठंडा, आप कौन है? मैंने कहा देख लो कौन है पहचानो। रोम में मैं गई थी, बहुत दिन पहले की बात है, वहां बहुत से आर्टिस्ट बैठे हुए थे, कुछ पेंट कर रहे थे, एक को पार कर दिया, वो उठा और आके धीरे से पहले उसने किसी से कुछ कहा और उसके बाद आकर के दोनों पैर पकड़ करके बैठ गया और रोने लग गया जोर जोर से कि माँ तुम कब आई। तो मैं तो वहां बड़े भारी अफसर की बीवी बन के गई थी, तीन आदमी घर में चार आदमी घर में खड़े हुए थे, वो लोग सब एम्बेरेस्ड हो गए कि ये क्या कर रहा है ये। कह लगे कि नहीं माँ तुम मुझे मिल गई, रात में तुम स्वप्न में आई थी, तुमने कहा था कि मैं ऐसी साड़ी पहन के आऊंगी, वैसी तुम पहन के आई। एक क्षण भी सहयोग के सिवाय मुझे कुछ सोचता ही नहीं है, सब पिछला भूल गई मैं, बड़े बड़े जन्म हुए बड़े बड़े हो गए सब लोग, सब भूल गई हूँ मैं, पिछला अगला सब भूल गई हूँ, यही क्षण में सहयोग ही मुझे याद है और मुझे कुछ याद नहीं। ऐसे ही आप लोगों को भी हर क्षण हर पल सहयोग, जहां बैठे हैं वहीं पे घड़ियां फेंक दो, पहले उतार घड़ियां फेंक दो, घड़ियों की गुलामी फेंक दो, सहयोग की गुलामी करो, सहयोग तुम्हारी घड़ी है। 12:30 बज गए उस दिन कोई हर्जा नहीं, बैठे हुए 3 बज गए बैठे हुए सहयोग में बैठे हुए, सहयोग क्या टाइम का गुलाम है, क्या घड़ी का गुलाम है? किसी भी कायदे कानून के हम गुलाम नहीं है, हम सिर्फ सहज योग में खड़े हुए हैं। जितना भी टाइम लग जाए बैठे रहेंगे, जहां भी बैठे बैठेंगे, हम कोई पेट के गुलाम है जो टाइम से खाए, हम किसी के भी गुलाम नहीं है। होते रहता है सब चीज, होने वाली है। अपनी गुलामी पहले छोड़ो सब चीजों की, जितनी पुरानी गुलामी है सब छोड़ो, पहले घड़ियों को फेंको उठा करके, सिस्टम नहीं बनाओ किसी चीज का, सहयोग में सिस्टम नहीं बन सकता है, उसके अपना सिस्टम बनता रहेगा, उसके सिस्टम को बनने दो, तुम लोग ने सिस्टम बनाया तो जड़ हो जाएगा। डिसिप्लिन मत बनाओ, उसकी डिसिप्लिन चलने दो अपने अंदर में। हाँ जो लोग पार नहीं हुए उनके लिए डिसिप्लिन जरूरी है, वो तुम करो, लेकिन जो पार हो चुके हैं उन्होंने अपनी डिसिप्लिन अंदर करनी है, अपने आप अंदर डिसिप्लिनिंग हो जाएगा। सहयोगी का अपना अंदरूनी डिसिप्लिन है, वो अगर इनडिसिप्लिन करे तो उसकी माफी नहीं है, और जो सहयोगी नहीं है उसको माफ करो, क्योंकि वो अभी तक जानता नहीं है डिसिप्लिन क्या चीज है, उसको तो संसारिक डिसिप्लिन मालूम है डंडे वाली। सहयोगी की अपनी ही डिसिप्लिन अंदर से आने दो, अपने ही अंदर से उसको जगने दो, देखो तुम लोग कितने उसके डिसिप्लिन में चल रहे हो, उसके हाथ पैर के साथ घूम रहे हो, उसकी लहर के साथ उठ रहे हो। समुन्द्र की लहर की किसने डिसिप्लिन बांधी है? यहाँ बैठे बैठे आप लंदन में कौन से टाइम में हाई टाइड आएगी और लो टाइड आएगी ये बता सकते हैं, इस जगह में बैठे हो किसने बांध के रखी है उसकी डिसिप्लिन, जो आप किसी की डिसिप्लिन बांधने लगे, उसके डिसिप्लिन में उतरना सीखो, उसके इशारे और उसके यंत्र में बढ़ना सीखो, उसका यंत्र चल रहा है, अपना कुछ मत बनाओ, अपना बस ये कहो कि चलो सहयोग में उतरो, चलो लगाओ टाइम उसी में, घड़ी अगर लगानी है तो सहयोग के लिए, अलार्म लगाना है तो सहयोग के लिए। कैसा है बसा या? ये देखिए ये उम्र है,
और ये सहज योग है। बगा बसा बसा बसा, तुम्ही जवळच आहात माझ्या, सगळे अगदी जवळ, हृदयाच्या आत, हृदयामध्ये आहात, कुठे दूर नाही तुम्ही, समजला पाहिजे। संसार का एक पत्ता भी उसके डिसिप्लिन के बगैर नहीं चल सकता। उसके डिसिप्लिन में अपने को घोल दो, उसकी हार्मनी में चले जाओ, उसके साथ हार्मोनाइज कर लीजिए पूरी तरह से। जब वो उठता है तो उठ गए, जब वो गिरता है तो गिर गए। जब हम अपना कुछ लेकर के बैठ जाते हैं तो उससे अछूते रह जाते हैं। अपने को उसी के साथ मोल्ड करते चलो, सिर्फ सहयोग से हो सकता है और किसी चीज से नहीं हो सकता, और कोई संसारिक लौकिक चीजों से नहीं हो सकता है उसका काम। उसका एक ही तरीका हजार बार बताया, फिर से बता रही हूं, फिर बता रही हूं कि आपका जो किला है, आपका जो फोर्ट्रेस है, वो है निर्विचारिता। निर्विचारिता में जानो, वहीं जान जाओगे सब। कोई भी काम करना हो निर्विचारिता में जाओ। सारा संसारी काम निर्विचारिता में करते ही साथ में आप जानिएगा कि कहां से कहां डायनेमिक हो गया मामला। फूलों को खिलते हुए किसने देखा है, फलों को लगते हुए किसने देखा है, संसार का सारा जीवन कार्य होते हुए किसने देखा है, हो रहा है, उसी डायनामिज्म में, उसी लिविंग चीज में आप मूवमेंट कर रहे हैं। वो निर्विचारिता से आ रहा है ना, उस स्थान पे आप बैठे हैं जहां से सारा संसार खिलता है। निर्विचारिता में ही उसकी आदत लगाइए, हर समय निर्विचार रहने का प्रयत्न करें। सारा कार्य संसार का उसी से होता है और आपका भी होगा। फालतू सालतू सब चीज हो जाती है, लेकिन अंदर का चलना आपको ही करने का है। कोई उम्र उम्र का तकाजा नहीं है कि हम बुढ़े हो गए, कोई बुढ़ा नहीं है। अभी अभी तो पैदा हुए, कितने साल हुए, 2-4 साल हुए होंगे और क्या, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं सारे। उम्र का तकाजा नहीं है, निर्विचारिता में रहना चाहिए। यही आपका स्थान है, यही आपका धन है, यही आपका बल है, शक्ति है, यही आपका स्वरूप है। यही आपका सौंदर्य है, यही आपका जीवन है। निर्विचार, निर्विचार होते ही बाकी का जो बाहर का यंत्र है वो पूरा की पूरा आपके हाथ में घूमने लग जाता है। निर्विचारिता में रहिए, वहां पर ना समय है, ना दिशा है, ना कोई छू सकता है। सिर्फ जीवंतता का दर्शन होता है कि जीवन कैसे खिलता, उसके सौंदर्य का दर्शन होता है, उसके सामर्थ्य का दर्शन होता है, उसके ऐश्वर्य का दर्शन होता है और उसके सत्य का दर्शन होता है। उस जगह से देखिए जहां से जीवन की धारा बहती है। लेकिन निर्बुद्ध बनना, महामूर्ख बनना कैसे आपको वो दिखाएगा? या हृदय शून्य होना, प्रेम रहित होना, सेल्फिश होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने बारे में सोचना, अपने को बड़ा ऊंचा समझ लेना, वो कैसे दिखाएगा आपको मार्ग?
कुरूप होना, अत्याचार करना। सहयोग की भी हर एक गति और मूवमेंट में कितना सौंदर्य होना चाहिए, उसको करते वक्त में भी उसमें कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कुंडलिनी को उठाते वक्त भी हाथ में कितनी धार्मिकता होनी चाहिए कि आप किसी की कुंडलिनी, किसी की माँ की पूजन कर रहे हैं, कितना उसके प्रति आदर होना चाहिए, कितना विचार होना चाहिए हर एक चीज में, आपके बिहेवियर में, आपके बातचीत में, आपके बोलने में, आपके दुलार में, आपके हंसने में, आपके रोने में, हर एक चीज में हृदय का कितना दर्शन होना चाहिए कि विशाल है, कोई विशालता दिखनी चाहिए आपके अंदर से, आकाश के दर्शन होने चाहिए, पानी की पवित्रता झलकनी चाहिए आपके अंदर से, सूर्य की तेजस्विता आपके मुख पर होनी चाहिए, चंद्रमा की शीतलता आपके अंदर से बहनी चाहिए। सर्वगामी होना चाहिए आपको हवा के जैसे, सबके प्राणों में आपका प्राण स्पंदन कर रहा है इस वक्त में, जान लीजिए, अपने प्राणों के साथ मत खेलिए। अत्यंत श्रद्धावान और भक्तिपूर्ण नतमस्तक होकर के उसको स्वीकार करें जो ऊपर से नवजीवन हमारे अंदर परमात्मा डाल रहे हैं। स्वीकार्य हो उसका प्यार, उसकी अनुकंपा स्वीकार्य हो आपको, सिर्फ उसके लिए नहाने की जरूरत नहीं, हाथ धोने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, हृदय की सफाई चाहिए, सिर्फ हृदय साफ कर लो, प्रभु हमारा हृदय साफ करो, हमारा छल कपट छोड़ो, तू अपने हृदय को साफ करो, उस हृदय कमल में उतरने वाले हैं वो, हृदय को साफ करो, क्या हमारा हृदय साफ है, किससे छल कपट कर रहे हो, किससे झूठ बोल रहे हो, तुम सभी एक हो, किसी एक को मेरा कहना कभी हो ही नहीं सकता है, सबके लिए कह रहे हो कि तुम एक ही शरीर में हो और वो भी मेरे ही शरीर के अंदर हो, मेरा ही प्रोजेक्शन हो, मैं अपने ही को कह दे रही हूँ, मैं दूसरे किसको कहूँ, दूसरा है कौन, तुम बीमार होते हो तो अंतर से वैसी पीड़ा होती जैसे कि मैं ही स्वयं बीमार हो गई हूँ, और तुम सुखी हो तो वही आनंद आता है जैसे कि मैं ही महासुखी हो गई, तुम लोग अगर सुखी नहीं हो तो मुझे कोई सुख अच्छा नहीं लगता, तभी रात दिन जगती रहती हूँ तुम्हारे लिए, जो जिससे बन पड़ता है, जिसके पास समय है वो समय दे, पूर्णतया समय दे इसको, अब हमारा आश्रम बनने वाला है उसको ले रुपया दे, जिसके पास रुपया है देना पड़ेगा, आप इधर उधर रुपया खर्च करते हैं, क्या फायदा हुआ सारे रुपया आज तक खर्च किए, मुझको कुछ तुम्हारा रुपया नहीं चाहिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको कोई खर्चा नहीं करने का, तुम्हारे लिए आश्रम बन रहे हैं, तुम्हारे भाई बहनों के लिए आश्रम बन रहे हैं, उनको वहां रहना है, अभी ये बच्चे पैदा हो रहे हैं पार हुए, उनके लिए स्कूल चाहिए, वहां उन बच्चों को संभालने वाला कोई चाहिए, उसके लिए रुपया दो, बगैर रुपये के वो खड़ा कैसे होगा, तुम्हारे हृदय से एक रुपया भी निकलता है उसका बड़ा महत्व है, ऐसे यहाँ पर लोग आते हैं जो एक रुपया भी नहीं खर्च करना चाहते, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर, ऐसे कोई गरीब लोग तो यहाँ है नहीं, ऐसे हो तो ठीक है, लेकिन एक रुपया निकालने में भी कंजूसड़ेपना करने वाले लोग क्या सहयोगी हो सकते हैं, क्या सुनते हो तो मुझे आश्चर्य लगता है, एक एक रुपए के लिए परेशान करते हैं, पांच पांच रुपए के लिए परेशान करते हैं, और जिनके पास पैसा है वो रुपया नहीं, काफी हजारों में रुपया देना पड़ेगा, लाखों में रुपया देना पड़ेगा, किसने दिया तुमको रुपया, मुझको नहीं चाहिए, मुझको क्या दोगे तुम अपने लिए तो दो भाई, अपने भलाई के लिए दियो, कल तुम ही लोग अपने बाल बच्चों को लेकर के उन आश्रम में आकर रहोगे, मुझे मालूम है,
कट कोरी करने कोई जरूरत नहीं, राजा जैसे रहो। जैसे हम फुकट का नहीं खाते, तुम भी नहीं खाना फुकट का। जो कुछ होता है करो, जिसको टाइम मिलता है टाइम करो, जिसे मेहनत होती मेहनत करो, जिसे जागृति थी जागृति दे, पार होते पार करो, भूत निकालते भूत निकालो, करो सहयोग में। करना पड़ेगा बगैर करे हुए। तुम्हारा जो ईगो है मरने नहीं वाला, और तुम्हारा सुपर ईगो जो भागने नहीं वाला है, जब तक सहयोग में कुछ करोगे नहीं, फिर चाहेगा पकड़ेगा, माताजी मेरा सर पकड़ गया, माताजी मेरी लड़की भग गई, माताजी मेरे बाप के ऐसा हो गया, होगा ही। मैं कुछ नहीं करती हूँ, गण भी कुछ नहीं करते हैं। तुम्हारी जहां कमजोरी आई वहां भूत तुमको ही पकड़ता है, मेरे को नहीं पकड़ता है। क्यों नहीं पकड़ता है मेरे को? माताजी ने हमको क्या दिया, उसको इतना दे दिया, माताजी ने उसको इतना, अरे उसने उसको मिलने का था मिल गया उसको। तुमको जो मिला है कुछ कम नहीं है, तुम्हारे तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है जो तुमको मिला हुआ है। इसी का संतोष आना चाहिए अंदर से, पकड़ो अंदर में उस संतोष को, उस संतोष में खड़े हो जाओ। मैं कैसे कहूं तुमसे, किसके भी कंप्यूटर्स होते हैं उसका पॉइंट्स होते हैं, संतोष में एक उंगली दबाओ तो संतोष जागृत हो गया, एक उंगली जगह दबाओ तो आपका इनोसेंस जागृत हो जाएगा, एक दबाओ तो सत्य जागृत हो जाएगा। ये सब अंदर में है आपके, ऐसे ऐसे उंगलियां दबाने से एक सारा प्रोग्राम सेट इन हो सकता है। माता जी ऐसा ही अपना करते रहती है। पर पहले वहां पे इनोसेंस थोड़ा होना तो चाहिए, वहां पे संतोष थोड़ा सा होना तो चाहिए, नहीं तो उंगली दबा और अंदर से क्या निकलेगा? वैक्यूम। अंदर कुछ है ये नहीं, अंदर जिसने संतोष को जोड़ा है वही तो दबाने पे संतोष में पहुंचे हैं, संतोष में बैठे हुए हैं इस वक्त में, धर्म पे पहुंचे हुए हैं, धर्म में बैठे हुए हैं इस वक्त। सब अपना धन जोड़ के रखा हुआ है सालों सालों का, शरीर जला जला करके आज आपके सामने खड़े हुए हैं। ऐसा ही आप लोग को भी एक एक चीज को जोड़ो, संतोष बहुत हो गया, संतोष। इनोसेंस में आओ, धर्म में आओ, सत्य में आओ, सौंदर्य में आओ, प्रेम में आओ, सबके बटन है। कैसे होगा कैसे करें, ये सहयोग को कहना नहीं, सब होता है, कैसा शब्द ही नहीं है उसमें, जोड़ो। जो कमाना है सब कमा सकते हो अपने अपने अंदर में, संतोष चाहो संतोष कमा सकते हो, सब चीज कमा सकते हो अपने अंदर रख सकते हो, रखो फिर बटन दबाओ, जो चीज चाहिए मिलती जाएगी आपको, मशीन मशीन बन जाएगी अंदर में। अब मैं कैसे क्या करूं, मेरे समझ नहीं आता कि तुम्हारे अंदर उसका उपार्जन कैसे हो। अपना उपार्जन जोड़ो, अपना उपार्जन जोड़ो। अच्छा हाँ,